सो हाय गाइस, हम पहले बहुत सारी फेसबुक एंड व्हाट्सएप की बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताऊँगा वो तो तुम थंबनेल देख के समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे फेसबुक में डीपी लोग नहीं लगाते होंगे क्योंकि अच्छी एडिट नहीं कर पाते। लेकिन आज जो मैं ट्रिक बताऊँगा ये एकदम परफेक्ट, वन क्लिक से आपका फ़ोटो बन जाएगा, ठीक है? कोई ज़्यादा काम नहीं, जस्ट 1 मिनट का काम है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिराजुल चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल सिराजुल। तो चलिए हम बात करते हैं। तो पहले मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तुम जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको एक क्लिक करना है डाउनलोड फोटो लैब, तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो यह है हमारा एप्लीकेशन, तो इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। तो सो गाइस, इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ अलाउ यानी परमिशन मांगते होंगे, तुम अलाउ या परमिशन दे दोगे डायरेक्ट, कोई टेंशन की बात नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, ठीक है? बहुत सारे इफेक्ट जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट है, तो मैं जस्ट इस इफेक्ट के ऊपर एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, सॉरी फोटो। तो इस फोटो के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास डायरेक्ट ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके जो गैलरी है, यहाँ पे गैलरी आ चुका है। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ जो कि ये वाला फ़ोटो है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। यह चूज़ करने के बाद देखते हैं, यहाँ पे चूज़ करने के बाद आपको ये जो एरो का निशान दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी 1/2, ठीक है? तो देखते हैं, मैं वीडियो स्किप नहीं करूँगा। ऑलमोस्ट डन यानी फ़ोटो तैयार हो चुका है, ठीक है? देखते हैं फ़ोटो कहाँ से, तुम देख सकते हो ये जो फ़ोटो है ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो फ़ोटो थे वो अलग थी और अभी अलग है, तुम यहाँ पे देख सकते हो एक क्लिक से फ़ोटो तैयार हो चुका है। तो इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे देखना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस, ठीक है? सेव टू डिवाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे जो डाउनलोड की ऑप्शन है, दूसरा वाला ये वाला, इसको आप क्लिक करोगे, लोडिंग हो चुका है, आपका जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मेरा सेव हो चुका है। मैं और एक इफेक्ट वगैरह में देख देता हूँ, एक ही फ़ोटो में तुम देख लो। मैं फिर से बैंक जाता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे मैं और एक इफेक्ट चूज़ कर लेता हूँ, देखते कौन सा इफेक्ट अच्छी लगती है। ये वाला जो इफेक्ट है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं वही फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ जो फ़ोटो मैं पहले करके दिखाया। इस पर और मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक किया, फिर से एरो का ऑप्शन, यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, गेटिंग रेडी प्रोसेसिंग 1/4, यानी ये फ़ोटो एडिट होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। प्रोसेसिंग 3/4 एंड 4/4, ऑलमोस्ट डन, फोटो तैयार हो चुका है, जस्ट व्यू होने का देर। तो देखते हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो पहला फ़ोटो कितना थी और अभी फ़ोटो क्या है। तो सो गाइस, यहाँ पे तुम एक क्लिक से बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो तुम फोटो तुम एडिट कर सकते हो, यानी आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सेम प्रोसेस फोटो तुम यहाँ सेव कर लोगे। सो गाइस, आज की वीडियो ये देखें, अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ एक प्यार से लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो देखें, जय हिंद, वंदे मातरम।